हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गर्वेश व्लॉग्स में। दोस्तों आज आप सब लोग देख रहे हैं हीरो की प्लीजर एक्सट्रैक्ट स्कूटी, तो आज हम इसकी डिटेल और इसके प्राइस आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे और इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी शुरुआत हम इसके इंजन से करें तो इसके अंदर हमें 110 सीसी का इंजन मिलता है 4 वाल्व का, जो कि दोस्तों 8 BHP पावर 7500 RPM पर जनरेट करता है। और टॉर्क की बात करें तो 8.70 Nm टॉर्क 5500 RPM पर जनरेट करता है। दोस्तों इसके फ्रंट के अंदर हमें जो ये मडगार्ड मिलता है ये फुली मेटेलिक मिलता है, आप सब लोग देख सकते हैं। और इधर हमें IBS की स्टिक रिंग मिलती है दोस्तों, इधर एक रिफ्लेक्टर मिलता है। और फ्रंट के अंदर इसके अंदर हमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं स्प्रिंग लोडेड। दोस्तों इसके टायर की बात करें तो इसके अंदर हमें ट्यूबलेस टायर 90-110 के टायर मिलते हैं विद IBS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में। दोस्तों इस स्कूटी के अंदर स्टील क्रोमियम की बहुत ज़्यादा फिनिशिंग दी गई, जिससे इसकी लुक बहुत ही अच्छी आ रही है, आप सब लोग देख सकते हैं। इधर LED प्रोजेक्टर मिलता है हमें और ये इधर लाइट के चारों तरफ स्टील की फिनिशिंग दी गई है क्रोमियम की। और दोस्तों हैंडल बार पे भी देख सकते हैं आप सब लोग, इधर कॉर्नर पे ये स्टील फिनिशिंग दी गई है जो कि इसकी लुक को बहुत ही अच्छी बनाते हैं दोस्तों। और इधर बल्ब इंडिकेटर के साइड में भी आप सब लोगों को स्टील क्रोमियम मिल जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों साइड से और दिखा दूं मैं आप सब लोगों को, देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार की साइड से मिलती है। इधर भी हमें साइड पैनल पे स्टील क्रोमियम की फिनिशिंग के साथ में प्लीजर प्लस जो लिखा हुआ है ये स्टील के अंदर लिखा गया है। और दोस्तों पिलियन राइडर के लिए हमें एक बैक रेस्ट भी मिल जाता है इसके अंदर। और दोस्तों ब्रेक लाइट की बात करते हैं, इसके अंदर हमें LED ब्रेक लाइट मिलती है। अभी इसके अंदर कनेक्शन नहीं कर रखा, नहीं तो मैं आप सब लोगों को ऑन भी करके दिखा देता विद बल्ब इंडिकेटर के साथ में। दोस्तों किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों के अंदर ही मिलती है, अमूमन हमें सारी स्कूटी ही किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट में मिलती है दोस्तों। और दोस्तों इसके मीटर की बात करें तो डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर हमें मिलता है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में, आप सब लोग अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं इसे। और दोस्तों इधर आप सब लोग देख सकते हैं कि जो ये मीटर है, मीटर की एज ये निकाले हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ट्रांसपेरेंट से। और दोस्तों इधर लेफ्ट हैंडल बार के ऊपर लो बीम हाई बीम के स्विच, इंडिकेटर के स्विच दोस्तों मैं आप सब लोग दिखाना चाहूँगा काफ़ी अच्छे कर दिए गए, पहले से अलग कर दिए गए थोड़े। और स्विच का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा दिया गया है लो बीम हाई बीम वाले स्विच का। और इस साइड आप सब लोगों को I3S की टेक्नोलॉजी वाला बटन और नीचे सेल्फ स्टार्ट हमें मिलता है दोस्तों। और दोस्तों इधर हमें नीचे भी USB पोर्ट दिया गया है, इधर चार्जिंग करके आप सब लोग इधर अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस दिया गया है, अच्छा खासा फ़ोन और छोटा मोटा सामान इसके अंदर रख सकते हैं हम। दोस्तों सेफ्टी की बात करते हैं, इसके अंदर हमें साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन भी मिलता है, साइड स्टैंड लगते के साथ में ये स्कूटी बंद हो जाएगी और यदि साइड स्टैंड लगा होगा तो स्टार्ट नहीं होगी दोस्तों, जो कि दोस्तों साइड स्टैंड की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं कि लगभग हम भूल जाते हैं बहुत सारे लोग साइड स्टैंड हटाना। तो ये सेफ्टी फीचर इसके अंदर हमें मिलता है कि भाई इसका इंजन ऑफ हो जाएगा। दोस्तों इसके प्राइस की बात करते तो 74,720 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है और 86,500 रुपये इसका नियर बाई ऑन रोड प्राइस है। ये ऑन रोड प्राइस आप सब लोगों के डिस्ट्रिक्ट में अलग हो सकते हैं दोस्तों। और जो इसके दोस्तों मिरर दिए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे विद क्रोमियम फिनिशिंग के साथ में दिए गए हैं। चलिए वो स्कूटी ऊपर है जिसके अंदर मिरर लगे हुए हैं, मैं आप सब लोगों को एक बार ऊपर और दिखा दूँगा। इधर आप सब लोग उसमें देखेंगे कि साइलेंसर के ऊपर भी स्टील क्रोमियम का गार्ड दिया गया है, देखिए दोस्तों स्टील क्रोमियम के इसके मिरर जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इधर मैं आप सब लोगों को साइड में भी दिखाना चाहूँगा, इसका एग्जॉस्ट साउंड के ऊपर स्टील क्रोमियम का कवर लगा हुआ है जो कि इसकी लुक को काफ़ी अच्छा बना रहा है दोस्तों। और दोस्तों आप सब लोग देखेंगे फ्यूल इनलेट करने के लिए अंडर सीट स्टोरेज दिया गया है, इधर आप सब लोग पीछे की लगा सकते हैं। और 5.8 लीटर का इसका फ्यूल टैंक का स्टोरेज है दोस्तों। और इसकी माइलेज की बात करें तो
50 to 55 माइलेज दे देगी ये स्कूटी, और आप सब लोगों के चलाने के ऊपर डिपेंड है। और दोस्तों अंडर बूट स्टोरेज के अंदर भी हमें LED लाइट मिलती है। तो दोस्तों ये स्कूटी आप सब लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और दोस्तों इधर हम मीटर के अंदर देखेंगे फ्यूल इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, I3S की लाइट, लो बीम, हाई बीम के इंडिकेटर, चीज माल फंक्शन की लाइट हमें मिलती है। और इधर आप सब लोगों के ऊपर डिजिटल मीटर जिसके अंदर शायद फ्यूल बार लगा होगा। और आगे भी दोस्तों स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है, इस साइड भी स्पेस है और इस साइड भी स्पेस है, काफ़ी डीप स्पेस है जिसके अंदर आप सब लोग सामान अच्छे से आ सकते हैं। एक छोटी वाटर बॉटल और साइड में मोबाइल चार्जिंग, और हाँ चार्जिंग का पोर्ट देखिए इधर नीचे दिया गया है दोस्तों, USB पोर्ट दिया गया है सिंपल, इधर लगा के आप सब लोग चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सब लोगों की ये स्कूटी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और यदि आप सब लोग लेना चाहें तो वीरेंद्रा ऑटोमोबाइल रेवाड़ी के अंदर आ सकते हैं, इधर आप सब लोगों की ये स्कूटी अवेलेबल है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।